हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, दुनिया का सबसे पुरातन धार्मिक शहर काशी, जहां साक्षात बाबा विश्वनाथ निवास करते हैं। अब उनका घर यानी बाबा विश्वनाथ मंदिर और सुंदर हो गया है। मंदिर पूरी तरह से स्वर्णमयी हो गया है। मंदिर के गर्भगृह के बाद अब बाहरी दीवारों को भी सोने से मढ़ दिया गया है। इसके बाद शिखर से लेकर चौखट तक सोने का हो गया है। अब तक काशी विश्वनाथ मंदिर की बाहरी दीवारों पर लगभग 23 किलो सोना लगाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि यह सोना दक्षिण भारत के एक भक्त ने गुप्त रूप से दान दिया था। लगभग 60 किलो सोने की परत मंदिर की गर्भगृह और बाहर की दीवारों में लगाई जा चुकी है, जिसके बाद वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर अब पूरी तरह से स्वर्णमय स्वरूप में नजर आने लगा है। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद से ही बाबा के दरबार को भव्य रूप देने की कवायद शुरू हुई थी। मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण जड़ित करने के बाद बाहरी दीवारों को भी सोने से मढ़ दिया गया है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वर्ण लगाने का कार्य गुरुवार को पूरा हो गया। लगभग 60 किलो सोने की परत मंदिर के गर्भगृह और बाहर की दीवारों पर लगाई गई। वहीं चारों दरवाजों के चौखट और पत्थरों को भी स्वर्ण जड़ित किया गया। बाबा के धाम में आने वाला हर भक्त बाबा के स्वर्णिम मंदिर की आभा देखकर अभिभूत है। स्वर्णमयी अन्नपूर्णा की नगरी में काशीपुराधिपति का स्वर्णिम दरबार भी सज चुका है। गर्भगृह की दीवार पर सोना मढ़ने का काम दिल्ली की एक कंपनी ने पूरा किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि एक दानदाता ने मंदिर परिसर में स्वर्ण लगाने की इच्छा जताई थी, जिसकी अनुमति लेकर यह कार्य पूरा किया गया है। पहले चरण में यह कार्य मंदिर के गर्भगृह के अंदर की दीवारों और छत में बने श्रीयंत्र को भी स्वर्ण मंडित किया गया है, जो कि फरवरी मार्च में पूर्ण कर लिया गया था। इसके बाद द्वितीय चरण में यह कार्य शुरू हुआ था, जिसमें मंदिर के बाहरी दीवारों और चौखट पर स्वर्ण मंडन का काम शुरू हुआ था, जो गुरुवार को पूरा कर लिया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि गर्भगृह के अंदर लगी दीवार के स्वर्ण को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए एक्रेलिक सीट यानी पारदर्शी प्लास्टिक की शीट लगाई गई, ताकि स्वर्ण को क्षतिग्रस्त होने से पहचाना जा सके। धार्मिक खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।